सत श्री अकाल जी सारे, आप सब का स्वागत है। मैं हरजोत बैंस, वाटर रिसोर्सिज माइनिंग जियोलॉजी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, तो मेरे नाल साडे प्रिंसीपल सैकटरी ने जो वाटर रिसोर्सिज माइनिंग दे कृष्ण कुमार जी। आप सब नूं पता है कि पिछले समय दे विच जिहड़ियां भी सरकारां रहियां होण, रेता ते रेत माफिया एक बहुत वड्डा इशू रहा पंजाब दे विच। पिछली सरकार वल्लों 2018 दे विच एक पॉलिसी लैके आए गए सी, उस पॉलिसी दे हिसाब नाल 3 साल लई वैलिड पॉलिसी सी जिहदी म्याद खत्म होनी है फरवरी मार्च 2023 तक। जानी 2023 तक असी उस पॉलिसी दे नाल कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उहदे विच पंजाब नूं 7 ब्लॉकां च वंडिया गया सी ते 7 अलग-अलग ठेकेदारां नूं ब्लॉक दे दित्ते गए सी। हैरानी वाली गल है जो 1 साल की डिमांड रखी गई सी, क्योंकि ये आंकड़े थोड़े जे बहुत जरूरी ने। पंजाब दे विच मैं अक्सर करदा तां हर बंदा मीडिया दे साथी ते अक्सर जदों अपने हल्के च भी जावां या किते भी जावां ते कई बार बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट भी पढ़ता, कहिंदे अच्छा जी रेता बहुत महंगा हो गया, तो सानूं ते मैं मानदा कि इस करके मेरी जिम्मेदारी बनती है, साडी जिम्मेदारी बनती है दसना कि असी की किया। साडी सरकार, साडे मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी का प्रण सीगा कि पंजाब दे विच्चों इलीगल माइनिंग माफिया खत्म करके माइनिंग की इंडस्ट्री बनानी है। हुण होया कि जिहड़ी पॉलिसी बनाई गई उहदे 350,000 मैट्रिक टन पंजाब की डिमांड दिखाई गई, 350,000 मैट्रिक टन 1 साल की। भाव यह है 350,000 जे तुसीं 365 दे नाल भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो डेली की डिमांड कितनी आ गई 90-95 हज़ार मैट्रिक टन। असी पिछले कई दिनों तो कई महीनों तो 1 लाख मैट्रिक टन तो वध देण तो बाद भी पंजाब की जिहड़ी डिमांड, जिहड़ी पंजाब दे विच रेतियां की कीमत घट नहीं हो रही सी। इसका मतलब यह है कि पंजाब की डिमांड कई गुणा वध है, 2 गुणा 3 गुणा हो सकता 4 गुणा वध है। पर हुंदा की सीगा, एक तो इस हिसाब नाल रोज़ माल लख मैट्रिक टन के हिसाब नाल बिकना चाहिए सी, पर पिछले 3 साल की जो एवरेज है सिर्फ 25-30 हज़ार मैट्रिक टन के नाल माल बिकता सी। यानी सरकार के खातों च 25-30 हज़ार मैट्रिक टन रोज़ निकलता सी, बिकता सी, पर पंजाब च रेता बजरी हर जगह मिलता सी। असी लख दे रहे हैं तां वी लोग कहिंदे जी रेता बजरी पूरा नहीं मिलता। भाव यह है कि कागज़ां सिर्फ 25,000 कढ़िया जाता सी ते पंजाब दी धरती चों कई लख मैट्रिक टन रोज़ माल इलीगल तरीके नाल बेचिया जाता सी। हुण साडे सामने चुनौती यह है कि जिहड़ी उन्हें खड्डा 1 नंबर च शो कीतियां वो उन्हां चों क्वांटिटी बहुत थोड़ी है। उस क्वांटिटी चों असीं जिन्ना माल कढ सकदे आ दे रहे हैं। 7 ठेकेदारां नूं असीं कहा या तां जे लीगल माइनिंग करूंगे सरकार थोड़े नाल है। मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग करके बुलाया 7 ठेकेदारां नूं, उन्हें कहा जे तुसीं लीगल माइनिंग करूंगे सरकार थोड़े नाल है, इलीगल असीं काम चलन नहीं देना। ओ क्योंकि उन्हें तो ठेका लिया ही इलीगल काम वास्ते सीगा, तो किसी ने लीगल माइनिंग नहीं की, तो सानू सारयां नूं उत्थों भजाना पिया। अज उन्हां दे विचों कई ठेकेदार जेल दे विच ने, जिहड़े वड्डे वड्डे माइनिंग माफिया सी उन्हां नूं असीं केस रजिस्टर करके जेलों च पाया। हुण पंजाब सरकार की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी के उत्ते असीं वर्क किया, सारा माइनिंग का कंट्रोल आप लिया, तो इस पॉलिसी के अनुसार जो साडी कैलकुलेशनस है अगर वह सारा कुछ सही चलता तो पंजाब वुड हैव बीन 1 स्टेट पूरे देश दे विच। अक्सर पिछले समय कई लीडर तेलंगाना की मिसाल देंदे सी, तेलंगाना तो भी वध रेवेन्यू पंजाब च आना सी, कारपोरेशन तो भी वधिया मॉडल जिहदे विच लोकां नू रोज़गार भी, ट्रांसपोर्टर नू फायदा भी, तो आम लोगों नू सस्ता रेता बजरी, तो सरकार नू रेवेन्यू भी, क्योंकि स्कूल बनाने हैं, महला क्लीनिक बनाना, 1,000 रुपए वाली गरंटी है। ये सारा कुछ कर रहे सी, पर 10 नवंबर नू मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वल्लों पंजाब दे विच टोटल माइनिंग बंद कर दित्ती गई। इस वक्त पंजाब दे विच किते भी असी लीगली कोई माइनिंग नहीं कर सकते किते भी, उसके बावजूद भी असी जिवें मर्जी आउट ऑफ द स्टेट अरेंजमेंट करके असी रोज़ तकरीबन 90,000 मैट्रिक टन माल पंजाब च सप्लाई कर रहे हैं। अज भी साडा असी सुप्रीम कोर्ट गए, असी मानयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया, असी कहा मानयोग सुप्रीम कोर्ट नूं जाके कि अज पंजाब दे विच साडा मजदूर परेशान है, पंजाब दियां सड़कां, पंजाब दे आम लोगों ने अपने घर बनाने हैं, साडे बिल्डिंगां, साडे स्कूल, साडे हॉस्पिटल सब कुछ रुकिया होया, इस करके सानू कृपा करके हाईकोर्ट सानू रिलीफ दिती जावे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट नूं कहा कि स्टेट बिल्कुल सही कह रही है, जे स्टेट दे विच माइनिंग नहीं होगी तो स्टेट अपना काम किवें करूगा। पर अज भी वो केस लग्या होया, जे अगर अज सानू रिलीफ मिलता, जिस दिन भी सानू हाईकोर्ट तो या सुप्रीम कोर्ट तो रिलीफ मिलता, 3 दिनों दे विच असी अपनी क्वांटिटी दुगनी कर देंगे। सिंपल मार्केट का रूल है जी, जिनी सप्लाई होगी उन्ना रेट घट होगा। पर असी देखिया इन्नी सप्लाई देने तो बावजूद भी बहुत सारे जेडे मिडलमैन ने
जिहड़े कह सकते हो बिल्डिंग मटीरियल स्टोर वाले ने या फिर ट्रांसपोर्टर हो सकते ने, वो बहुत महंगा वो जान के स्केट सिटी क्रॉस क्रिएट करके बहुत महंगा कितने कितने 60 रुपये कितने कितने 80 रुपये भी रेता बजरी बेच रहे। इस करके असी उहदा सल्यूशन ये लभ्या, ये थोड़े सामने ये पंजाब का पहला सेल सेंटर है। इहदे विच 2 लाख मैट्रिक टन तो उत्ते साडे कोल इत्थे माल पिया। ईको सिटी मोहाली न्यू चंडीगढ़ के आस पास बहुत सारिया खरड़ डिवेलपमेंट एक्टिविटीज़ होंदिया, तो इत्थों तुसीं आके सरकारी रेट के उत्ते रेता बजरी खरीद सकते हो। इत्थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पई है, पूरे पंजाब चो समान इकट्ठा करके इत्थे मंगवाया गया, तो थानू 28 रुपये के उत्ते तुसीं इत्थों जिहड़ा है साडे तो माल लैके जा सकते हो। तो जिवें जे खड चलती है उत्थे 9 रुपये क्रशर तो लैना, 20 रुपये, तो अगर तुम बिल्कुल अपने शहर च लैना अपने घर के कोल लैना तो सारिया कॉस्टा पा के क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज पा के 28 रुपये लै सकते हो। ये कोई 28 रुपये फिक्स रेट नहीं है। जिवें ही साड़ी माइनिंग एक्टिविटी हाईकोर्ट सानू होर करता तो मेरी आस है असं थोड़ा इतने 1500-1600 रुपये इतने थोड़ा रेता असं दे देंगे। जिवें जिवें साड़ी सप्लाई वधूगी उवें उवें प्राइसिस घट आ जाएंगे। पर घट्टो घट यह दो चीज़ा जी इंश्योरिटी है, एक कि इतने थोड़ा अवेलेबिलिटी होगी, इतने कोई भी आऊगा लै सकता, दूजा जो 70-80-60 रुपये वाली लुट चलती वह नहीं होगी। ये साडा उपराला है, तो आने वाले दिनों के असं साड़ी कोशिश है कि पंजाब के हर जिले के असं पुड्डा तू गलाडा गमाडा सारी ऑर्गनाइजेशन जी इदा ने उन्होंने कहा सूँ जमीन प्रोवाइड कर दो सारे पासे ताकि इदा के सरकारी खरीद सेंटर ताकि जेडे दूजे मनोपली क्रिएट करके रेट वध दे रहे वो भी अपने थले आ जाए। तो इस करके अज इस सेल सेंटर की साडे मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत मान जी के निर्देशों के उत्ते शुरुआत की गई है। तो एक कदम है, यो पहला कदम है उस सुपने वाल जिहड़ा सुपना असी देखिया सी। ते क्योंकि माइनिंग विभाग जो मैनू मिलिया तो मैं कहता हुंदा सी कि वह विभाग है जिथे कोई भी बंदा ईमानदार नहीं हो सकता। किन्ने बंदियां नू चार्जशीट किया, किन्नियां नू सस्पेंड किया, पर साडे कोल ये साड़ी खुशकिस्मती है कि साडे कोल कृष्ण कुमार जी वर्गे ईमानदार अफसर आए। तो इस महकमे ने दिन रात मेहनत करके हुण सारा महकमा दिन रात मेहनत कर रहा, साडे जेई साडे SDO दिन रात लगे रहिंदे। दूजी चीज़ मैं एक होर कह देना चाहूँ, मैं भी गल दावे नाल कह रहा बतौर मंत्री दिल ते हथ रख के, अज पंजाब दे विच 90% इलीगल माइनिंग बंद हो गई है। कोई खड सरेआम नहीं चलती। हाँ कोई रात नू 2 ट्रिपर चोरी कर ले, कोई ट्राली भर के लै जाए, वो जरूर हो रहा। वो उत्ते की किया 500 तो वध FIR हुई, 500 तो वध FIR असी कीतियां जी। हुण FIR दे विच असी की देखिया कि अक्सर गरीब बंदा रगड़िया जांदा सी। हुण तुसी मैनू कहिंदे थोड़े सवाल होणगे जी कि लीगल माइनिंग दा की कर रहे हो, ये अक्सर की हुंदा सी असी FIR कर दिंदे सी। असी देखिया जिहड़ा बेचारा गरीब ट्रक ड्राइवर है गरीब ट्राली वाला है वो रगड़िया गया, उहदे उत्ते भी असी संशोधन कर दिता। हुण FIR नहीं होणगीआं, हुण जुर्माना होगा। अगर कोई रात नू कितों भी इलीगल माइनिंग करके सड़क ते आ गया ते असी जे चैकिंग च फड़िया गया तो 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया उस टिप्पर ते जुर्माना होगा। जदों तक 2 लाख रुपया नहीं जमा कराउंदा टिप्पर असी नहीं छड्डांगे, उस मालिक नू जमा कराना पैना। इस करके मेरी खुली चेतावनी है, किसी की सिफारिश नहीं चलनी। असी टेंडर भी कढ रहे ऑटोमैटिक सिस्टम आ जाना, समझ लो कोई MLA दी किसी मंत्री दी सिफारिश नहीं चलनी। इस करके इस तो वधिया कि तुसी सरकारी नू रेवेन्यू दे के रेता कढ़ो। क्योंकि जे इलीगल माइनिंग फड़िया गया 2 लाख रुपया थोड़े ते जुर्माना है, तो 2 लाख रुपया जे नहीं जमा कराओगे 14 दिन दे विच उस टिप्पर दी असी ऑक्शन कर देंगे, 14 दिन बाद 2 हफ्तों बाद उसनू ऑक्शन कर देंगे। ये इलीगल माइनिंग करन नू एक असी नवा इहदे च अमेंडमेंट कर दित्ती है, होर भी जिहड़े सुधार है करदे रहांगे। तो पंजाब दी जनता नू पंजाब दे लोकां नू सस्ता रेता बजरी ते पंजाब दे खजाने नू असीं इनरिच करना साडा मकसद है। आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंत्री साहब जिहड़ा इह इत्थे तुसीं कीता है, हुण मान लो किसी ने रेता लेना हैगा तां ओह आपदी ट्राली लै के आवे तुसीं? दोनों ऑप्शनस है जी, इत्थे बहुत सारे टिप्पर मालक भी जदों चल पिया तां जिवें बिल्कुल एयरपोर्ट टाइप या रेलवे स्टेशन दे बाहर वाला सिस्टम बन जूगा, कोई अपना लैके आना चाहुंदा ओह भी लै लवे। विच उन्होंने भर के दवा, अगर किसी ने इतों इतने खड़े होंगे टिप्पर वाले वो लै जन, तो मैनू लगता लोकल जो तुम लैके जाना 5-10-20 किलोमीटर शायद ही 2-3 हज़ार रुपया किराया हो। अक्सर की है मैं ये भी बहुत ये बहुत वधिया सवाल है जी। अज 12 बजे साड़ी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट महकमे के नाल, असी कल्ला सेल सेंटर तो चलो लिमिटेड आजूगा, जेडे बाकी भी पंजाब दे विच बहुत महंगा मिल रहा। अज साड़ी 12 बजे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाल मीटिंग है, तो असी पूरे पंजाब दे विच टिप्पर के रेट फिक्स करने के बारे सोच रहे हैं ताकि जी लुट है जी ट्रांसपोर्ट की लुट्ट भी बंद हो सके। किलोमीटर वाइज स्कीम बना देंगे, क्यूबिक फिट मैं थोड़ा हजे फिर कह रहा जी। तुम भी सारे देखो तुम ये कह देंगे हो
कि हाई कोर्ट तो झटका, तुसी भी ये भी तो न्यूज़ लाओ ना जी, अज मैं रेता कितों देव, मेरे को एक भी साइट नहीं चल रही, ये साड़ी कामयाबी है कि ना चल, एक सेकंड, ये सारा आउट ऑफ स्टेट्स तो जिहड़ा जिथों भी इंटरस्टेट करके क्रशर्स तो बाई करके या साडे स्टॉक्स पिया सी या साडे स्टॉक्स पिया सी, कोई कितने भी माइनिंग नहीं हो रही। अगर आप बोल रहे हैं बाहर से आ रहा है, ये मुझे बताइए आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो और किस प्राइस पे? मैम इधर भी साढ़े जेड़े क्रशर्स है, दे कैन बाय फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट, तो क्रशर्स का जेड़ा रेट है 20 रुपए है, क्यों ये सारा रिवर सैंड नहीं है, क्रश्ड सैंड भी है, जो असं 20 रुपए के लेंदे हैं तो उन्होंने अनलोड करके इतने तक लिया की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो करके 28 रुपए रेट रखे। अच्छा ये चरणजीत सिंह चन्नी इज बैक, उनके ऊपर भी और अकाली ने उस टाइम एक स्टिंग ऑपरेशन वगैरह भी किया था, उसका क्या हुआ? और ये जो पॉलिटिकल एक होता था ना कि इनको कवरेज मिल रहा है या वो मिल रहा है, मैं देखो जी, देखो जी मैं बड़ा एज बिकॉज सिंस आई एम माइनिंग मिनिस्टर आई एम नॉट, दिस इज़ मैटर ऑफ होम डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन, पर हाँ जो भी माइनिंग दे विच कोई भी जड़ी माइनिंग शार्क्स ने, मैनू नहीं लगता कि जिन्हें भी, क्योंकि इन्नी वड्डी शह ते इलीगल माइनिंग किसी के संरक्षण से हो सकती है, तो ऑलरेडी वी हैव अरेस्टिड वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग माफिया, तो असी उसका केस असी विजिलेंस नू ट्रांसफर कर रहे हैं, लैट द विजिलेंस डू इट्स जॉब। साड़ी कोशिश है कि हर जिले च खोलिए जी, ताकि हर जिले जो हो गया ताकि मार्केट रेगुलेट रहे। हाँ जी फिलहाल एक एक शुरुआत कर सर, ये डिमांड से ब्रदर, ये तो जिम्मे एक तरीके उन्होंने सरकार की दुकान है, ये तो डिमांड उत्ते है जी, जे अज ही बिक गया कल होर भरना पैना, डिपेंड्स जिम्मे किसी का घर 20 किलोमीटर दूर है उन्होंने 28 रुपए पेगा या 28 तो बाद एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी त्रिपाठ पंकज जी। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 10 ਟਰਾਲੇ ਜਾਂ 50 ਟਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੋ? ਉਹਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈਕਿੰਗ। मैं थानू ये भी दस दिंदा DSR दे उत्ते जी, DSR दा काम बहुत तेजी नाल चल रहा जी, तीन जिले दी बन चुकी हैं, रोपड़ पठानकोट ते फाजिलका, तीन जिले दी बन चुकी हैं, छे दी प्रोसैस है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ते जदों ये भी 2-3 महीने की गल है, रेता थानू असी 15 रुपए ही देवांगे, बजरी 20 रुपए देवांगे, पर ये हुण मजबूरी च, ताकि स्टेट एकदम ही रुकी हुई सी मजबूरी च, 2-3 महीने च जदों साडी नवीं पॉलिसी आ गई 23 फरवरी तो बाद, ते जदों साडियां अपनियां खड्डां चल पईआं तां थानू पंजाबियां नूं असीं 15-16 रुपए च रेता ते 20-22 रुपए च बजरी पूरे पंजाब सप्लाई करांगे। जिहड़ी ए सेलिंग सेंटर्स ने इन्हां दी एक्चुअल कैपेसिटी किन्नी कि तुसीं दस्सिया हुण हाल दी कड़ी 2 लाख मैट्रिक टन जिहड़ा क्यूब, हां मैट्रिक टन विच इज़ अ लॉट, 2 लाख मैट्रिक टन दे हिसाब नाल ट्राई सिटी दी जे आपां पूरी डिमांड ला लईए तां इह काफ़ी 15-20 दिन दा समान इत्थे हैगा। सर इस वक्त कमाई साडा फोकस नहीं है, कमाई तो उदो होगी जो माइनिंग शुरू होगी, इस वक्त एक लोगों के जी स्केयर सिटी है, तुसी आज सानू रिलीफ दवा दो, फिर ये तो असं एक तरीके नाल जो, क्योंकि इस वक्त आम जनता परेशान है, उसनू रिलीफ करन दा हल, इहदे च कोई असी कमा नहीं रहे, असी अपने आप लैके असी ट्रांसपोर्ट इत्थे करके, यस अलग अलग चीज़ है जी, किस्म है जी, बजरी 1-2 रुपए महंगी हो सकती है, डिमांड जो असी लैके आवे थानू जो कॉस्ट पौगी सानू 29-30 रुपए होगी, जिस तो बाद नहीं होंगी। अच्छा जी तुसी पहले शख्स हो मैंने जी नहीं दसा मैं थानू फिर एक बार गल दस दिंदा जी, 3.5 करोड़ रुपया जुर्माना, 3.5 करोड़ रुपया जुर्माना असीं हुण तक ला चुके हैं। दूजी गल ये है, एक पूरा एक माफिया ऑपरेट कर रहा सी, एक होर माफिया, उहदा नाम सी ब्लैकमेलर माफिया, जदों तां ठेकेदार माइनिंग करदा उदों कहिंदे साडे पिंड च जी डीसिल्टिंग दी लोड़ है, उही पंचायत चिट्ठियां लिखदियां, जदों सरकार कहिंदी कि असीं कढ के करांगे उदों कहिंदे नहीं जी ये तां साडा पिंड खराब हो जूगा, तां उहनां दा देखो अपने पर्दाफाश होया, उहदी रिकॉर्डिंग आई आ, ते उही शख्सी जिन्हां दे वीडियो कई लीडर पंजाब दे अपने ट्विटर हैंडलां ते पांदे रहे, कई पंजाब दे लीडर जो रोज़ ट्वीट करदे ने उह वी उस ब्लैकमेलिंग माफिया च हो सकदा शामिल होण, अज उह बंदे भज्जे होए ने, थलों जमानतां रिजैक्ट हो गई, हाई कोर्ट चों जमानतां नहीं मिलियां, एक पूरा ब्लैकमेल। अच्छा कहिंदे जी जरकेश चौधरी करे माइनिंग तां सानू मंजूर है,
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।